अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमिल डी आई वाई एंड क्राफ्ट। तो ब्राइडल लुक आज हम क्रिएट करेंगे। अगर आपके मायों मेहंदी या फिर कोई सीज़न है जिसमें आप ब्राइडल लुक हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं तो आपको ये इजी बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से। ये हेयर या फिर आप इसे क्राउन भी कह सकते हैं, ये क्राउन पे ही लुक देगा लेकिन बैक साइड पे क्राउन पे लुक देगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। सही है, हमारे को पेपर लेना है। इसके लिए मैं 2 पीस ले रहा हूँ, ठीक है। पेपर मैंने 7 इंच का मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया है। तो इसी सर्कल के अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो उसकी जो मेजरमेंट है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर का जो है हम अंदर वाला सर्कल जो है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर पे ये सर्कल मेरा आ रहा है। तो एक बड़ा वाला सर्कल जो है वो 7 इंच का है और छोटा वाला 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसे हम कट कर लेंगे और इसके हमारे को 2 पीसेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको 2 पीस में कट करेंगे। ये कार्ड शीट है, आप अगर गत्ता ले रही हैं तो वो जस्ट आपको एक ही शीट लेनी है। मैंने यहाँ पर चार्ट शीट ली है तो इस वजह से मुझे 2 पीसेस पेपर यूज़ करने पड़े हैं। आप कोई भी गत्ता वगैरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बीच में अंदर कवर जाएगा। जिस हमारे को बेस तैयार करनी है और बेस ही इसकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको 7 इंच का सर्कल नहीं है समझ में आ रहा तो आप अपने सर के अकॉर्डिंग भी इसकी मेजरमेंट ले सकती हैं। दोनों कान के बीच का साइज़ आप ले लीजिएगा और उसी बीच के साइज़ का आप सर्कल क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान और इजी है ये मेथड, ठीक है। दोनों कान को ऊपर के साइड से हेड की तरफ से आप मेजरमेंट लेंगी तो उसका जो सर्कल आपको जितना बड़ा चाहिए आप उस हिसाब से ले सकती हैं। आप देखें, मैंने फ्यूजिंग पेपर जो कपड़ों में यूज़ होती है वो भी ली है, उसकी भी 2 पेपर यूज़ किए हैं मैंने, ठीक है। इसके सर्कल लेके हमारे को 6 जो हम उसके अंदर लटकन लगाएंगे तो हमें 6 लाइंस जो है उसकी छोड़नी है, ठीक है। अब मैं जो जो पेपर है उन दोनों पेपर्स को आपस में चिपका दूँगी, ठीक है। अगर आप फेल्ट पेपर लेते हैं तो उसकी भी आपको 2 शीटों की रिक्वायरमेंट है, आप 2 शीट ही कट करेंगे अगर आप फेल्ट पेपर लेते हैं तो, ठीक है। अब मेरे जो कार्ड शीट्स हैं उसको आपस में स्टिच चिपका दिया है और जो एक फ्यूजिंग पेपर भी मैंने पूरा चिपका दिया, ठीक है। जो तीसरी थी चौथी जो लेयर्स का जो ये फ्यूजिंग पेपर है ना उसको मैं हाफ चिपकाऊंगी क्योंकि फिर मुझे लटकन जो है उसको अटैच करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट 1.5 इंच का जो वो है उसको कट कर देंगे और हमारे को थोड़ा सा जो राउंड है उसको थोड़ा सा उठाना है ताकि वो जो सर जो है उसके अंदर बीच में फिक्स हो जाए, ठीक है। आप अपने सर के अकॉर्डिंग जितना आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप कर लें। तो यहाँ मैंने 7 इंच के सर्कल में 1.5 इंच का जो सर्कल है उसको कट करके इस तरीके से मैंने उसको एक के ऊपर एक चिपका दिया। तो तकरीबन 2 इंच का जो सर्कल था वो आप लगा सकते हैं कि इसके मेजरमेंट में 2 इंच का सर्कल जो है वो कम हुआ है, ठीक है। इसकी फिनिशिंग दे लेंगे हम। तो चारों जो शीट्स हमने चिपकाई हैं तो उसके जाहिर सी बात है वो ऊपर नीचे हो गई होंगी, तो हम उसको बराबर इक्वल कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो फिनिशिंग आए तो बुरा ना लगे जब इसकी डेकोरेशन हो। तो फर्स्ट लेयर में इसके ऊपर पल्स की चारों तरफ से लगा दूंगी, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो है मैं इधर भी पल्स की जो है वो लगा दूंगी, ठीक है। अब मैं जो बीच वाला जो सर्कल है इसके ऊपर भी मैं दोनों पूरी जो सर्कल पे मैं पल्स लगा दूंगी, ठीक है। दोनों सर्कल की लाइन जो है पूरी हो गई। अब मेरे पास ये बॉल ये नगवरी स्टोन है, स्टोन ब्राइट स्टोन चैन भी कहते हैं इसको, तो मैं तो नगवाली चैन कहती हूँ इसको। तो नगवाली चैन जो है उसको इस तरीके से आप लगा लें, ग्लू भर भर के लगाइएगा ताकि ये उखड़े ना चिपके रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इस पर स्टिक कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान और इजी तरीका है, जैसे जस्ट मैंने भी जिस तरह से आपको बताया इसी तरह से आज मैं मेजरमेंट लेके आप अपने वेडिंग्स के हिसाब से अपने हेयर स्टाइल को खुद ही क्रिएट कर सकते हैं हेयर एक्सेसरीज को अपने मर्जी से, ठीक है। ये हेयर एक्सेसरीज वेडिंग के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो ये ज़्यादातर मायों
में जो है वो ब्राइडल वेयर कर सकती हैं, और जो वैसे वे पार्टी वेयर के लिए जो नॉर्मल गर्ल्स जो होती हैं वो इसको इजीली केयर कर सकती हैं वलीमे में या बारात में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही काम आएगा, तो ये जस्ट यंगर लड़कियों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है। तो उस तरह से मैंने दोनों साइडों पे ये नग वाली चेन को लगा दिया, ठीक है। अब मैं थर्ड लेयर भी पल्स की लगाऊंगी इस तरह से। आपको अगर नग लगाने हैं इसके अंदर तो आप नग भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास पल्स हैं और मुझे पल्स ही लगाने हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो ड्रेस है वो वाइट कलर की ड्रेस है, वाइट और गोल्डन कंट्रास्ट में आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर वाइट और गोल्ड ही कंट्रास्ट लिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से स्पेस दे के पहले निशान लगा लूँगी कि कितने फ्लावर्स के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मेरे 8 जो फ्लावर हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो मैं यहाँ से इसको फ्लावर को कट कर लूँगी। अगर आपको कलर्स चेंज करना है फ्लावर्स का, तो आप रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो जो भी आप यूज़ करना चाहती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिस ड्रेस के अकॉर्डिंग ये तैयार हो रहा है वो ड्रेस वाइट है, तो इस तरह से अगर आपके फ्लावर वाइट हैं तो आप चंकी लगा ग्लिटर लगाना चाहें तो आप उसको ग्लिटर भी लगा सकती हैं। जैसे मैंने इसको सिर्फ सिंपल ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसके जो 8 फ्लावर्स जो हैं वो स्पेस पे इस तरह से कर करके लगाऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस मेरी जो देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो मेरा चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा, बेबीज़ के हिसाब से, हेयर एक्सेसरीज, वेडिंग के हिसाब से और हेयर स्क्रंचेस वगैरह सारे तरह के मेरे पास मेरे चैनल पर हेयर एक्सेसरीज के हिसाब से वीडियोस मौजूद हैं। तो मेरा चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा, देखें जो स्पेस बचा था मैंने वहाँ पे भी इसको नगों से फिलअप कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास ये बॉल चेन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये राइस्टोन चेन भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वो बालों में बहुत ज़्यादा उलझेंगे, तो वो बालों में जब तक फंक्शन ख़त्म होगा अच्छा खासा बम फट चुका होगा आपके बालों में। तो मैं रिकमेंड करूँगी तो आप ये बॉल चेन यूज़ करें, ठीक है। तो ये बॉल चेन मैंने 6 जो है लड़ियाँ वो 12.5 इंच यानी 12.5 इंच की 6 लड़ियाँ मैंने कट करी हैं, ठीक है। अगर आप में आप इसके अंदर और इंक्लूड करना चाह रही हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें। तो मैंने फ़िलहाल इसके अंदर सिर्फ 6 लड़ियाँ जो हैं उनको ही बन करा है। तो मैंने जो फ्यूजिंग के ऊपर जो निशान लगाया था उसी को मैं पेपर पे ही लगा रही हूँ निशान, ताकि आसानी से मुझे दिखाई दे और परेशानी ना हो इनको लगाने में। तो इस तरह से मैंने 6 जो लड़ियाँ हैं उनको इस तरह से लगा दूंगी और इसको बिल्कुल फिक्स कर देना है, ताकि ये जो फिक्स होंगी तो अगर ये निकलना चाहें तो भी ना निकले, इसको अच्छी तरीके से ग्लू कर दीजिएगा। और अब जो मैंने जो ये जो फ्यूजिंग पेपर जो रखा रह गया था इसके ऊपर भी मैं गम सोल्यूशन लगा के या फिर गम लगा के इसको पूरा अच्छी तरीके से इसको स्टिक कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से स्टिक कर दिएगा ताकि इसके अंदर से कुछ दिखे ना, सब कुछ हाइड हो जाए, ठीक है। तो ये लड़ियाँ हमारी तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 जो पीसेस हैं वो फ्यूजिंग बुकरम पे कट किए हैं और इस तरह से मैं एक के ऊपर बीच में लड़ी लगा के इसको इस तरह से स्टिक कर लूँगी। बहुत तो आसान और इजी हेयर एक्सेसरीज हैं और बहुत ही कम बजट में आपके हेयर एक्सेसरीज तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं 3 क्लिप्स लगा रही हूँ हेयर क्लिप्स, ताकि इसको बालों में अटैच करने में आसानी रहे और इजीली अटैच हो जाए, ठीक है। अब मैंने जो लड़ियाँ जो तैयार करी थी और उसकी डेकोरेशन करूँगी, तो इसके जो कुछ डिटेल्स हैं वो ऐड कर रही हूँ मैं इस तरह से। अगर आपके पास कोई झुमके वगैरह हैं या फिर जो बटन से जो बटन यूज़ होते हैं अगर वो लगाना चाहें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से आप बनाना चाहें तो इस तरह से भी आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको बना सकती है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक एक नग लगा लिया और उसके मैं दोनों साइड पे ही ये चीज़ क्रिएट करूँगी, ताकि जब बालों में लगे तो वो अगर पलटें तो फिर वो एज इट इज़ वैसे ही दिखे जैसा आग फ्रंट पे है, क्योंकि जाहिर सी बात है लटकने हैं तो वो गोल गोल घूमेंगी, बालों में लग के इधर उधर भी होंगी तो
उल्टी हो जाएंगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने इसलिए इसके दोनों साइडों पे ये फ्लावर कट किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस वाले ये वाला क्रिएट कर लिया मैंने, अब दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से इसको क्रिएट कर लूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने छः छः जो लड़ियाँ हैं उन सब के ऊपर मैंने इस तरीके से आगे पीछे एक बटन लूप दे लिया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गई है हमारा हेयर एक्सेसरीज तैयार। तो बटन्स के ऊपर मैं थोड़े से और नग लगा दूंगी ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये अगर ये फ्लावर आपको वाइट लग रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इसमें ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी ड्रेसेस जो है वो वाइट कलर की है, तो इस वजह से मैंने इसको वाइट ही छोड़ा है। तो ये देखें, इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा लुक आया है इसका। ये बालों में लगने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, बालों में लग के ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।